केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर राज्य सरकारें व्यापारियों पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार पॉलिथीन को जड़ से खत्म करने के लिए गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ताजनगरी आगरा में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कॉलोनी कॉलोनी गली गली में जाकर लोगों को पॉलिथीन का उपयोग करने के लिए मना किया जा रहा है। गंदगी न फैलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंपर्क अभियान द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक की मंडली में ताजनगरी के नाम से क्षेत्र में पहुंचकर एक बेहतरीन तरीके से नाटक प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंडली लोगों को प्लास्टिक की बुराइयां और उससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने बताया कि उनका बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में लोग पॉलिथीन का उपयोग करना बंद कर दें, जिससे होने वाली क्षतियों से बचा जा सके और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। मेरा नाम मनीष चौधरी है। सर, आप यहाँ पर आपने नुक्कड़ आयोजन किया है, क्या मकसद है इसका? सर, इसका मकसद यह है कि हम अपने माध्यम से काफी लोगों को जागरूक करें, जो सरकार की ये योजना है, जो स्कीम है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं और लोग काफी जागरूक भी होते जा रहे हैं। और जितनी भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चों हैं, सबसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप लोग जब घर से निकले सब्जी लेने के लिए या कोई भी सामान, तो आप घर से थैला लेके निकलें, क्योंकि प्रतिबंध प्लास्टिक पे हो गया है और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और जैसा कि आपने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से काफी लोग मरे, जिसकी वजह से हम सबको ये दुख झेलना पड़ा। और हर व्यक्ति ये सोचे कि जैसे हम लोग बच्चा पैदा करते हैं, उसी तरह हम लोग एक एक पेड़ अपने लिए लगाइए, तो हमारा भारत इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में सफल हो जाएगा और हमारे सरकार की योजनाओं का उसको लाभ भी मिलेगा। और अपने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाइए, जो भी नारा है उस पर आप लोग अमल करिए। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मेन मिशन है, स्वच्छता अभियान को लेकर प्लास्टिक मुक्त भारत हो, और क्षेत्र के अंदर स्वयं जनता एक एक पौधा लगाए जिसका वो खुद निर्वाण करे, तभी क्या कहते हैं, अभी जो कोरोना की आपने स्थिति देखी थी, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया था। हमें खुद जागरूक होना का होगा, घर से थैला लेकर चलना होगा, और सभी लोगों को, अगर हम सब एक एक पौधे को अगर गोद ले लेते हैं, उसका जल से सींचड़ करें, उसका ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये हमें करना होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों द्वारा जो पेड़ लगाए गए वो अभी जीवित हैं, जिसकी ऑक्सीजन हम प्राप्त कर रहे हैं, पर हम युवा जब तक इसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे तो ये कठिनाइयाँ और ये बीमारियाँ आती रहेंगी। हमें पॉलिथीन मुक्त भी होना पड़ेगा, घर से हमें थैला लेकर निकलना पड़ेगा सामान लेकर, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। शुरुआत मैंने की है थैला क्या कहते हैं लेकर चलने की, और मैं चाहता हूँ क्षेत्रीय जनता भी इसमें मेरा पूर्ण सहयोग करें, जगह जगह पौधे लगाए, जहाँ अपने घर के आसपास किसी मोहल्ले में बगीचे में जहाँ भी एक निर्धारित। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष शर्मा, मैं यहाँ से पार्षदपति हूँ, और निरंतर क्षेत्र की जनता का मुझे सहयोग मिलता रहता है। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके क्षेत्र खमौली के मुड़ी में BS मार्केट फ्रेंड्स कैफे एंड रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनुअल फंक्शन, गोद भराई, ऑफिस मीटिंग के लिए संपर्क करें अपने नजदीकी फ्रेंड कैफे एंड रेस्टोरेंट पर। पता BS मार्केट, मुड़ी चौराहा, नियर बियर वाइन शॉप, जलेसर रोड, आगरा। फोन नंबर 8630188419 8218 5842।